दो साल बाद या तीन साल बाद रियलाइज हुई कि भाई वो जो मुझे सोच अडॉप्ट करने के लिए बोल रहे थे वो सही थी, ना कि जो मेरी सोच सही थी। इसी वजह से हम लोग अपनी सोच को नहीं बदल पाते, इसी वजह से हम लोग अपनी किस्मत को नहीं बदल पाते। और वही हम लोग कंप्रोमाइज करना गरीबी में जीना चद्दर पड़ी घर पे बैठ के नहीं होने वाली। उसके लिए अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, घर परिवार छोड़ना पड़ेगा। और मैं एक ऐसा आदमी हूं कि मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं सिखाता जिसको मैंने खुद में अपने ऊपर अप्लाई ना किया। आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो जो लोग आपके सीनियर्स हैं, जो आपके आगे बढ़ चुके हैं, उनकी बात को, अपनी बात को साइड में रखते, अपनी सोच को साइड में रखते, उनकी सोच को अडॉप्ट करके देखो। शायद हो सकता है कि ये जो बंदा मुझे ये बोल रहा है ये सही हो, मैं गलत हूं। सुनते हैं, मानते हैं तो बताता रहता हूं, जब आगे से मुझे बैकआउट करना शुरू कर देते हैं, आगे से गुस्सा आना शुरू कर देते हैं, तो मैं उनको बुलाना फिर छोड़ देता हूं। ठीक है, तेरी किस्मत यहीं तक थी क्योंकि तेरी सोच इतनी है, इसे आगे तुम नहीं बढ़ना चाहते, तो फिर मैं छोड़ भी देता हूं। फिर मैं भाई क्यों रिलेशन कराता हूं, क्यों लड़ू। लेकिन मैं अगर बोल रहा हूं, मैं अगर आपके ऊपर एनर्जी लगा रहा हूं, तो मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ग्रो करो, वरना कोई किसी पर एनर्जी नहीं लगा। मैं आज ईश्वर को हाजिर नाजिर मान के बता रहा हूं, मेरी टीम का चाहे कोई भी बंदा है, मैं हमेशा, भले आप में से काफी लोग मेरे से बड़े हैं, मैं उनको हमेशा अपने परिवार, अपने बच्चों की तरह माना मैंने हमेशा। और अगर कोई बंदा गलती कर रहा है तो मैं अपने बच्चों की तरह उसको ट्रीट करता हूं। अगर एक बार दो बार लगातार वो गलती करता है, उसमें डांट भी देता हूं कि यार तेरे को समझाया नहीं, मैं बार बार समझाता हूं, तू फिर वही गलती कर रहा है, नहीं करनी आज कल गलती है। अगर कोई बंदा छोटी छोटी बात पे, छोटी छोटी सी बात पे उतना बड़ा मान के उसको एक दुख बना के बैठा है, तो उसको बोलता हूं कि यार ये दुख नहीं है, दुनिया के अंदर इससे बड़े बड़े दुख पड़े हुए। लेकिन मैं बोलता हूं जिसको मैं अपना समझता हूं। और अगर आपकी जिंदगी में कोई बोलने वाला आदमी है ना, तो कभी उसको खोना मत। जिस दिन आपने उसको खो लिया ना, आप